नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सांस्कृतिक उन्नयन और संवर्धन के उद्देश्य से 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म एंड ड्रामा फेस्टिवल चित्रांगन का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस आयोजन की रूपरेखा तैयार हुई है। शहर को विकास के सभी मानकों में बेहतर करने हेतु कला और संस्कृति का सशक्त होना नितांत आवश्यक है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आयोजन रंग उत्सव नाट्य समिति और NH7 मोशन पिक्चर्स के द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के विषय में आयोजन समिति ने बताया कि इस पूरे फेस्टिवल में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश विदेश की बहुचर्चित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही फिल्म के जाने माने अभिनेता और कलाकारों की उपस्थिति में वार्ता भी आयोजित की जाएगी। शाम 6 बजे से पूर्व रंग होगा, जिसमें स्थानीय प्रसिद्ध लोक कला और रंग संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। इसके पश्चात प्रतिदिन शाम 7 बजे से देश भर में चर्चित नाटकों की प्रस्तुति होगी। इस बारे में पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी गई, आइए आपको बताते हैं पत्रकार वार्ता में क्या कुछ बताया गया। नमस्कार, आपके रीवा शहर में 19, 20 और 21 को चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जिसमें देश विदेश की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही साथ लोक कलाओं से सजा होगा पूर्व रंग, जिसमें म्यूजिक और अपने यहाँ का लोक संगीत होगा। और साथ ही साथ शाम को 7 बजे रोजाना जबलपुर, सीधी और रीवा की जो है नाट्य प्रस्तुतियाँ होंगी, जो आप उनको देख कर आनंद उठा सकते हैं। लोगों को क्या मैसेज जाएगा इससे? लोगों को मैसेज ये जाएगा कि एक नई विधा को देखेंगे, नई फिल्में देखेंगे जो इंस्पायर करेंगी। जैसे चिल्ड्रन फिल्में हैं, चिल्ड्रन फिल्मों का एक स्लॉट है, बच्चे नई नई फिल्में देखेंगे जो बच्चों को इंस्पायर करती हैं। उसके साथ वुमेंस पर हैं फिल्में और बाहर की जो फिल्में आ रही हैं, फिल्मों को देख के ये समझेंगे कि फिल्में बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो ये जानेंगे, उनसे बातचीत करके डिस्कशन का एक सेशन रखा है हमने, उनसे बात कर पाएंगे कि फिल्में मतलब फिल्मों को लेके कैसे हम काम कर सकते हैं, फिल्में कैसे बनाई जा सकती हैं और रीवा को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिल्म जैसे बहुत जगह शूट होती हैं फिल्में, हम टूरिज़्म पर काम कर रहे हैं कि लोग आएँ यहाँ शूट करें फिल्मों को इस तरह से, या कलाकारों को मदद करती है रीवा में, क्या किसी भी तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध कराती है? फिल्म को लेकर के देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहीं फिल्म शूट हो रही है तो भोपाल में हो रही है, लेकिन हमारे विंध्य में एक से बढ़कर एक प्राइम लोकेशन है जहां पर फिल्म शूटिंग के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहां पर कला और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस उन्हें एक मंच मिलने की थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ऐसे में जब इस तरह का कोई फिल्म और थिएटर फेस्टिवल जो कि एक इंटरनेशनली है, तो जब इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो उसमें बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और क्रिटिक्स, सिनेमेटोग्राफर्स आते हैं, और ऐसे में वहाँ के टूरिज्म से जुड़ करके, वहाँ के स्थानीय पर्यटन से जुड़ करके चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और ऐसे में अवसर नए नए इकट्ठे होते हैं, नए नए अवसर निकलते हैं। सवाल मेरा ये था कि मध्य प्रदेश सरकार क्या किसी भी आयोजन में कोई मदद या आप अपने लेवल पे? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आयोजन हो रहा है वो हमारे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। उनका ये मानना था कि रीवा में ऐसा एक फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल होना चाहिए और उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी कलाकार इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वास्तव में ये आयोजन भव्य स्तर पर। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल, मैं क्या किसी भी तरीके के रीवा के कलाकारों को मदद करती है, यहाँ किसी भी कलाकार सहूलियतें मिली? ऑडिटोरियम भी हमारी हमारे पूरे साथ में खड़ा हुआ है। अच्छा। है ना, बिल्कुल। और जिस तरह से मतलब वो एक स्टेप आगे आके हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे हम बाहर वाला जो प्रीमाइसेस है उसको प्रमोद गायकवाड़ जी डेकोरेट कर रहे हैं, जिन्होंने ट्राइबल म्यूजियम भोपाल को डेकोरेट किया है ना, तो वो बाहर वाला प्रीमाइसेस उन्होंने कहा कि जिस लेवल पर आप यूज़ करना चाहें, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बिना उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए हम लोग उसका पूरा उपयोग करें और हमारे यहाँ के लोगों को एक बेहतरीन पूरा प्रोग्राम, 3 दिन का पूरा पैकेज देखने को मिले। और थिएटर भी है वहाँ पर, ओपन थिएटर है, लेकिन अभी उसके लिए हमारे पास सेशंस हैं। क्या है कि हम लोग क्राउड को बहुत ज़्यादा बिखराना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मेन फोकस है फिल्म्स और शाम को नाटक और बाहर का एग्जीबिशन जो आर्ट एंड क्राफ्ट का है। अगर हम ओपन थिएटर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको कोई स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जैसे परफॉर्मर्स है, अगर हमारे लाइव परफॉर्मर्स है, बैंड परफॉर्मर्स है, अगर हम उनको वहाँ पर रखते हैं तो जो हमारा मेन फोकस है वहाँ से शायद जनता हट जाए, इसलिए हमने उसको अभी नहीं यूज़ किया है। कोशिश करेंगे कि आगे उसको किसी तरह से यूज़ में लाया जाए। इस आयोजन में कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा सेलिब्रिटी?
रंजीत कपूर साहब हैं, आप द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर हैं। आपकी फिल्म है चिंटू, आपने डायरेक्ट किया है, ऋषि कपूर साहब उसमें एक्ट करते हैं, ऋषि कपूर साहब को उसी में नेशनल अवार्ड मिला है। ऐसी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं और वो अपनी एक फिल्म ले कर भी आ रहे हैं, जय हो डेमोक्रेसी, उसमें अन्नू कपूर साहब ने एक्टिंग की हुई। और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जैसे सत्यदेव त्रिपाठी जी, आप बनारस यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में रहे हैं, आप फिल्म समीक्षक और कला समीक्षक दोनों हैं, और फिल्म समीक्षक में प्रहलाद अग्रवाल जी सतना से हैं हमारे साथ, और गिरिजा शंकर जी हैं, और अमितेश कुमार जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। अखिलेंद्र मिश्र जी दरअसल अपनी शूटिंग के डिले हो जाने के कारण अब हमसे ऑनलाइन सेशन से जुड़ पा रहे हैं। विनीत कुमार जी भी हमसे ऑनलाइन सेशन के जरिए जुड़ेंगे, ये बड़े अभिनेता हैं। 1992 में स्वयं हबीब तनवीर जी रीवा आए थे, अब उनकी बेटी आ रही हैं सुश्री नगीन तनवीर जी आ रही हैं, और वो भी रंगमंच का बहुत जाना पहचाना नाम है। अभी पीपली लाइन में जो गाना आया था वो भी उनका लिखा हुआ गाना है, गाया हुआ है, और चोला माटी के राम एखर का भरोसा चोला माटी के राम, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस आयोजन में जुड़ रही हैं। जयंत देशमुख जी हैं जो आरक्षण राजनीति जैसे फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर हैं, तो आपका सानिध्य मिलेगा हमें 3 दिनों तक।